हाउ डज इट हेल्प यू पंकज? अखिलेश यादव के साथ जाके पिछली बार हुआ था तो पूरा श्रेय प्रियंका वाड्रा को दिया था कि प्रियंका हैज स्टिच्ड दिस अलायंस पर्सनली। ये आपने नहीं, कांग्रेस की आधिकारिक नेताओं ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, कैमरा पे कहा था, और ये भी कहा था दैट राहुल गांधी वाज अ बिट रिलक्टेंट लास्ट टाइम, बट प्रियंका गांधी हैज बीन एबल टू कन्विंस, सो दे आर टुगेदर। तो ये जो दो लड़के दोबारा आए हैं, आपको सच में लगता है समाजवादी पार्टी के साथ जाके कांग्रेस को कुछ फायदा होगा उत्तर प्रदेश में पंकज जी? सच में कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं हो रहा होता अखिलेश यादव के साथ जाकर। सर, अखिलेश यादव को कुछ फायदा नहीं हो रहा होता कांग्रेस के साथ आकर, तो अश्विन आप ये सवाल पूछते ही नहीं, पूरा आज का शो इस पर करते ही नहीं। यही इस बात का आपको साबित करता है कि दोनों के साथ आने से कितनी बेचैनी फैल गई है सत्तारूढ़ खेमे में। सत्तारूढ़ खेमा जानता है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो जमीनी हालात है चुनाव के, वो जिस तरह बदल रहे हैं, वो काफी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो इसलिए दोनों इस बार फिर साथ आए हैं। आप देखिएगा कि नतीजे काफी अच्छे रहने वाले हैं विपक्ष के, क्योंकि जो लोग तमाम सारे काम करने का वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते ही सारा काम तमाम करने में लग गए। वो लोग 10 साल बाद आज हालात ये है कि पूरा देश मौजूदा हुकूमत से मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने आजकल किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि चेहरे पर हंसी नहीं है इसलिए भारतीय जनता पार्टी में है, या भारतीय जनता पार्टी में है इसलिए चेहरे पर हंसी नहीं है। इनकी हालत यही जानते हैं। अच्छा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हंसता है, भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही कोई नेता हंसता है, लोक कल्याण मार्ग से दांत पड़ जाती है कि अनुशासन में रहो और पता आपको लग जाता है। भारतीय जनता पता आपको लग जाता है होकर, हाँ, भाजपा में होके ही क्यों कर रहे हो, पता आपको लग जाता है। मतलब डांट पड़ रही है शहजाद को अगर आपकी मानू, और पता लगता है पंकज शर्मा को, ये अलग। आप वायरलेस कनेक्शन में, मैंने नहीं, मैंने ये तो सुना है कि बिजली की लाइन में कुंडी मार लेते हैं, ये आप वायरलेस में कौन सी आप कुंडी मार लिए पंकज जी? कनेक्शन है 7LKM और शहजाद के बीच में, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है पंकज शर्मा जी? अरे ऐश्वर्य, आपको पता है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के अंतिम नेता थे जो खुल के हंसते थे। पंकज जी, आज के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और शहजाद पूनावाला समेत, वो तो ऐसा चेहरा तान के घूमते हैं कि लगता है अभी कच्चा चबा जाएंगे। हमेशा शिकार पर झपटने जैसा भाव रहता है उसके चेहरे पर। अभी आप देखेंगे शहजाद पूनावाला के चेहरे पर यही भाव देखिए, आ गया वही भाव। ओके, डन। शहजाद, देखिए ऐसा है, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की शुभकामनाएं, और रामनवमी के दिन पे हमारे चेहरे पर खाने का भाव दिखता है। ममता दीदी ट्वीट करके कहती है कि यहाँ पर सुरक्षा और सेफ्टी बनी रहे, वो कहती है दंगे हो जाएंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब कि जो भी व्यक्ति राम में आस्था रखता है, और हाँ मैं भारतीय मुसलमान हूँ पर मेरे आदर्श राम है, तो उनमें कांग्रेस को किस प्रकार का भाव और तृणमूल कांग्रेस को किस प्रकार का भाव दिखाई देता है। और वही ममता दीदी जब ईद उल फित्र पर ट्वीट करती है तो कहती है अमन और शांति का पैगाम लाती है। अब सोचिए, क्योंकि मैं टोपी नहीं डाला हूँ तो मेरे में खाने का, मैं इंसान को खा जाऊंगा, यह भाव नजर आता है। हिंदुओं के प्रति क्या भावना है, आज तो राम गोपाल यादव ने भी प्रकट किया, उन्होंने कहा यह पाखंड है। बताइए कि प्रभु श्री राम लला के मस्तिष्क पर, उनके माथे पर सूर्य का तिलक 500 वर्ष बाद हो रहा है। मुझे तो लगा यहां पर बैठे हुए सारे हिंदू एक बार कहेंगे सियावर रामचंद्र की जय, पर यहां पर क्या बोला जा रहा है, यह पाखंड है। और मुझे पता है कि इसके बाद भी जो लोग बोलेंगे वो मेरे सनातनी, क्योंकि मैं धर्म से सनातनी नहीं हूं, तो मुझे गालियां देंगे, मुझे अब्यूज करेंगे। पर बताइए कि राम भक्तों पर गोलियां भी चलाई, और राम भक्त जो आज वहां पर इकट्ठा हुए वो सूर्य तिलक कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी देख रहे थे सूर्य तिलक को, उसको पाखंड कह रहे हैं। मतलब कि सनातन विरोध का किस प्रकार का भाव पड़ा हुआ है इनके मन में, उसका भी आज प्रकटीकरण हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए क्या है, हम तो मिशन और विशन वाले हैं, तो मिशन और विशन की बात कर रहे हैं। 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची, 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले, हमने डबल हाईवे बनाए, डबल एक्सप्रेसवे बनाए। ये जो पत्रकार साहब है, अच्छा पत्रकार साहब ने भी बोला कि मुझे डायरेक्टली टॉल विंडो विदाउट विजुअल्स ऑन क्यों बता है। इनके समय पर, यूपीए के समय पर, 7 रेसकोर्स रोड का एक पत्रकार के साथ हॉटलाइन ही था, उनको तो कैबिनेट बनने से पहले पता चल जाता था ना, नीरा राडिया के उस टेप कॉन्वर्सेशन में। तो इनको लग रहा है कि आज भी अगर प्रधानमंत्री जी उनके कार्यकर्ता
जनता से बात कर रहे हैं तो किसी पत्रकार के माध्यम से करते होंगे, ऐसा इनको लगता है। अरे भाई, हमारे यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है जो आपके यहाँ पर थी। अर्णब जी ने उसके बारे में विस्तृत तरीके से बताया, वो नेटवर्क क्या था कि पत्रकार तय करते थे कौन के मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये भुलावे में मत रहिए, पर हम मिशन और विजन से काम करते हैं। okay. और ये लोग डिवीजन की भावना लेकर रामनवमी के दिन पर भी हिंदू को गाली okay. देते हैं, अपना किया हुआ काम नहीं गिनाते। okay. इनसे पूछे कितने गरीबों की आवाज बनाए, पॉइंट टेकन सर। ओपनिंग ओपनिंग है सर, कितने गरीबों के ओपनिंग है सर, एक जवाब नहीं। राजेश जी आ रहा, गरीबों को बाहर निकाला गरीबी से, एक जवाब नहीं। हाईवे बनाए, एक जवाब नहीं। इसीलिए अब देखना, ये शराब घोटालेबाज भी काव 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 करेंगे और जो है एक प्रकार से प्रधानमंत्री को गाली देंगे। और एक और बात, लास्ट बात, एक ही साथ कर लो फिर मैं बाकियों के पास चला। लास्ट स्टेटमेंट बोलो। अभी इनकी प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद कहा है। बताइए 29 नक्सली हार्डकोर मारे गए, तो हमारे पुलिस कर्मचारियों के लिए नहीं, कुछ भी वो शहीद नक्सलियों को कह रही है। भाई जिनके एडवाइजर, एक शब्द नहीं निकला, ठीक है ओके। और ये उसका कंपैरिजन कर रहे हैं जो हेमंत, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, रिलैक्स भाई, अरे भाई रिलैक्स। देखना वो कंपैरिजन उस 400 फीट का कर रहे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमूल बेबीज बोला, वो भी पता है मेरे को। लेकिन रत्नाकर जी, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके नेता के एडवाइजर वो है सैम पिट्रोदा, जो सैम पिट्रोदा कहते हैं क्या है भाई, डोंट बी सेल्फिश टू द मिडिल क्लास, टैक्स ही तो बढ़ेगा। अपने पड़ोसी को बोल के देखिएगा रत्नाकर जी, टैक्स ही तो बढ़ेगा, टैक्स ही तो बढ़ेगा, कोई बात नहीं दे दो, डोंट बी सेल्फिश, ट्राई दैट। एंड रत्नाकर जी, उसके बाद जैसे दिल्ली या बड़े शहरों में RW होता है, काशी में भी होगा कुछ, उसका इलेक्शन आप लड़के देखिएगा, है ना। और उसमें स्टार्टिंग में बोलिएगा टैक्स ही तो बढ़ेगा, डोंट बी सेल्फिश, और आखिर में भी बोलिएगा टैक्स ही तो बढ़ेगा, डोंट बी सेल्फिश। घर वाले वोट दे देना त्रिपाठी जी, छोटे की तरह बोल रहा हूँ आपसे, छोटा हूँ तो नाम बदल दीजिएगा। राजनीति कैसे होती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम आप में सब बराबर है। मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स आज की तारीख में डोंट गो हैंड इन हैंड, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन लेट्स बी स्मार्ट। आपके नेता के साथ दिक्कत क्या है, राम मंदिर में नहीं जाएंगे, रामनवमी वाले दिन जो नेत्री बोलेंगी वहां दंगा होता है, वो दिन दंगे का, उसके साथ रहेंगे और अल्टीमेटली जाएंगे किसके पास, अखिलेश यादव के पास, जो मुख्तार अंसारी के परिवार से। अब आप 10 गुंडे या 10 ऐसे लोगों का नाम मत लीजिएगा जो या तो बीजेपी के साथ थे या उनका अलायंस, या फिर आप उन्हें दबंग बता दें, क्योंकि आप ये करते हैं, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। टेल मी दिस, राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव का साथ आना आपको लगता है कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? मैं एक कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूं, जड़ के नेता से रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं एक एनालिस्ट से नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी से। जी त्रिपाठी जी, अजब बात कर, शहजाद त्रिपाठी, हां मैं रत्नाकर त्रिपाठी की हैसियत बता रहा हूं, क्यों नहीं मैं नाम लूंगा। मुख्तार अंसारी की जो जंग छिड़ी थी, मैं आपका जवाब जानता हूं, ब्रजेश सिंह MLC बन के किसकी गोद में है, उनकी पत्नी, उनके भतीजे विनीत सिंह MLC किससे हैं, क्यों ना बोलूंगा मैं, क्यों उनके यहाँ राजनाथ सिंह जाते हैं, क्यों उनके यहाँ नड्डा जाते हैं, वो अपराधी नहीं है क्या? सारे अपराधियों के आप जाए, अखिलेश यादव एक परिवार से भी आपने नहीं मिल सकता। विश्व के किस संविधान में किसी अपराधी का परिवार अपराधी हो जाता है, आप मुझे बताइए। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि यदि कोई अपराधी हो गया आपकी निगाह में या समाज की निगाह में, तो उसका परिवार त्याज्य हो जाएगा, परिवार करता है अपराधी बनने को। और दूसरी बात, शहजाद पूनावाला जी, आपको गाली देने की जरूरत ही नहीं है, आपकी गालियां तो तैर रही हैं इंटरनेट पे। मोदी जी चिंपैंजी बन के छोटे से एक साल बाद उनकी एक नॉमी आप दिखाया है, मैंने थोड़ी दिखाया है। अगर ये मेरा वक्तव्य है तो बता दीजिए, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, मानते नहीं दिखा दे, ये मेरी ऐसी टिप्पणी कहां पर है दिखा दे, प्लीज, ये टिप्पणी मेरी है कहां की दिखा दे, मैं पहले मेरी टिप्पणी दिखा दे, नहीं आपने बोला चालू किया तुमने, आपने मेरी फिर भी जो बोला चालू किया, अन्यथा देखिए, अरे तो तुम्हारे ऊपर ही बोलूंगा ना, फोटोशॉप तो तुमने चिंपांजी बनाया, मोदी जी को मैंने बनाया, इसमें शिकायत कर रखी है, इसमें आपका नाम तो जुड़ेगा, पर इस प्लेटफॉर्म पे आपने झूठ फैलाया, अरे प्लेटफॉर्म को स्वीकार कर लेना मेरे ऊपर, आप बता दीजिए, आप FSL की रिपोर्ट के साथ बताइए, वो मेरा फोटोशॉप नहीं है शहजाद पूनावाला। अच्छा रिलैक्स, अच्छा रिलैक्स, एक सेकंड, एवरीवन ऑफ, मुझ पर एक सेकंड शहजाद।